आयोजित हुआ। इस सेमिनार में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम, डॉक्टर धनंजय सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, सीएम पीपल राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सहित संगठन के पदाधिकारियों सहित गणमान्य समाज सेवियों ने भाग लिया। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर की रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, दिल्ली सरकार श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से आग्रह करता हूँ कि अपने मंच पे आए। और इनके साथ जो पैनल में रहेंगे, उनसे भी निवेदन है कि कृपया वो मंच पे आने के लिए तैयार रहें। उसमें पहला नाम मोहम्मद आर खान, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं फॉर पीपल्स फाउंडेशन ग्रुप के, तालियों से स्वागत। कृपया जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन है कि व्यवस्था बनाए रखें, गेट के आसपास जो भी साथी खड़े हैं बैठने का कष्ट करें। मेन गेट के पास जो भी साथी खड़े हैं वो कृपया बैठने का कष्ट करें। तनवीर खान जी, कृपया व्यवस्था बनाए। हमारे गणमान्य व्यक्ति अतिथि मंच पर आसीन हैं। दूसरे पैनलिस्ट के तौर पे मैं बुलाना चाहता हूं श्री डीएन सिंह जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं गुरु नानक आई सेंटर में। जोरदार तालियों से स्वागत श्री डीएन सिंह जी। नेक्स्ट पैनलिस्ट के तौर पे श्रीमती अर्चना सिंह, प्रेसिडेंट अंबेडकर महासभा बुलंदशहर यूपी, कृपया मंच पे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत मैडम का। अगले पैनलिस्ट के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर रमेश कुमार, एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद, राकेश कुमार जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर धनंजय कुमार, पृथ्वीराज जी, मिस्टर पृथ्वीराज जी और डॉक्टर सीमा प्रकाश। डॉक्टर सीमा प्रकाश, पृथ्वीराज जी, डॉक्टर धनंजय कुमार जी, कृपया मंच पे आए और हमारे माननीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी का बुक के भेंट करके स्वागत करेंगे। तीनों हमारे ऑफिस बेरर इस एसोसिएशन के, तीनों से आग्रह कि माननीय मंत्री जी का साझा रूप से स्वागत करें और तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि कुछ लोग देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ लोग खुलेआम भीड़ में हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग करके मार रहे हैं, कुछ लोग खुलेआम हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं, कुछ लोग हमारे गांवों में आगजनी करके हमारे घरों को जला देते हैं, हमारे भाइयों को कत्लेआम कर देते हैं। शायद ये करने की किसी हिम्मत ना हो, चूंकि जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो ब्रेन काम कर रहा है वो तो 100 में से 10-15 लोग कभी भी 85-90 लोगों को मार नहीं सकते, जब तक कि वो 85 लोग इस बात का एहसास ना कर लें कि हमारे मसले एक हैं, हमारा दर्द एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी लड़ाई जीतने का रास्ता भी एक है, तो फिर प्लेटफॉर्म अलग अलग क्यों? फिर प्लेटफॉर्म अलग अलग क्यों? जब जाना यहां से
चादरा है और नजदीक पड़ता है यहां से बाहर निकलो और जीटी रोड से सीधे फ्लाईओवर चलते और पहुंच गए। लेकिन कोई तो जा रहा है उधर गाजियाबाद की तरफ और ऐसे घूम के आ रहा है, कोई इधर से वजीराबाद के रोड की तरफ से जाके सिलमपुर वाले रोड से पहुंच रहा है। तो भाई अलग अलग समय पे पहुंचेंगे, तब तक पता लगेगा सारा मामला लुट चुका है। सवाल ये कि कुछ ठोस करने की जरूरत है। अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मंत्री या एमएलए बनना या सांसद बनना तो दूर की बात है, हम लोगों को ये एक गांव का प्रधान भी जीतने नहीं देंगे। और अगर लोगों ने रिजर्व सीट से हमको जिता के भेजा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए वहां गए हैं उनके मुद्दों पर मजबूती से हमें डटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हम लोग उनके एडवोकेट हैं, संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर अपने समाज के मुद्दों के ऊपर हमने लड़ाई लड़नी है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोग हमारे जाते रिजर्व से सीट से जीत के हैं और वहां जाने के बाद गुलामी शुरू कर देते हैं, उनकी पूरी ताकत पूरी जिंदगी अपनी सीट और कुर्सी को बचाने पे लग जाती है। मान लो कुर्सी मिल भी गई, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, उसके बाद क्या? वो तो बन गया, उसके बाद क्या? एक बार बन जाओ, दो बार बन जाओ, दस बार बन जाओ, उससे क्या फर्क पड़ जाना है? महत्वपूर्ण यह जब आप बने, बनने के बाद आपने उस समाज के लिए क्या किया, आपने उस समाज को क्या लौटाया, ऐसे कौन से कानून या कौन सी नीतियां आपने वहां सरकार के ऊपर दबाव डाल के बनवाई जिससे हमारे समाज का भला होना है। हम आप सुन पा रहे हो या बैठ पा रहे हो और या मैं बोल पा रहा हूं, ये केवल केवल संविधान की वजह से ही है। तो हमें इस संविधान को, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला, इसको हमें हर कीमत पे बचा के रखना है। और अगर आप जाने तो आजाद भारत और गुलाम भारत में अगर फर्क था तो केवल एक फर्क था उसके बीच में, कि केवल एक किताब का फर्क था, वो हमारा संविधान। हमें संविधान ने हमें आजादी दी और हमें हक दिए, और आजादी बिना हकों के कोई मीनिंग नहीं रखती है, और आज उन हकों को हमसे छीना जा रहा है, तो हमें उन हकों को बचाना है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे कितने ही नेता कितना ही मजबूत आ जाए, मगर संविधान उन सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। सभी को बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन बापसा की तरफ से जय भीम, गुलजार और सत्रह की। अगर 2014 से अगर हम इस जो बीजेपी सरकार का जो नीति है, खास करके जो शिक्षा व्यवस्था को लेके और हायर एजुकेशन को लेके, तो इस सरकार का अगर नीति को हम पढ़े सही तरह से, और आज का जो न्यूज अगर भी हम फॉलो कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, तो हमको पता होगा कि इस देश का जो लोकतंत्र है और इस देश का जो संविधान है उसको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। ये अभी का जो बीजेपी सरकार है, ये मैं शायद आप सभी को पता होगा, इस बात से कोई दोहरापन नहीं है कि डबल मीनिंग नहीं है कि आज किस प्रकार का इस प्रकार एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो पब्लिक एजुकेशन जो सिस्टम है, जो सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म किया जा रहा है, और जो प्राइवेट कंपनी के साथ है, जो पूंजीपति के हाथों में जो शिक्षा व्यवस्था को बेचा जा रहा है। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर सीमा प्रकाश जी को कि कृपया मंच पे आए, और श्री अबेदुर रहमान जी का मोमेंटो दे करके धन्यवाद करेंगे कि वो महाराष्ट्र से हमारे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे पधारे हैं। डॉक्टर धनंजय चाहिए। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा एडवोकेट मसूद आलम जी, डॉक्टर अख्तर नवाज जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं?
आपसे निवेदन है, क्या स्पेशल थैंक करेंगे? हरीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। हरीश जी स्वागत, स्पेशल थैंक करेंगे इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी का। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।